हाय एवरीवन, आज हम लोग क्लासिकल डायनामिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है बहुत ही एक लंबा चौड़ा टॉपिक है ना। छोटे फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद वाले लेक्चर पर सेम मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझेंगे। बहुत लोगों को ये टॉपिक ऑलरेडी पता होगा या नहीं भी पता हो सकता है, तो आप लोग आज देख लेंगे है ना। और हम लोग सीरियली स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बीच में से कोई एक चैप्टर उठा के हम लोग करेंगे, सीरियली स्टार्ट करेंगे और हो सकता है तो 2 महीने में हम लोग खत्म करेंगे अगर हो सकता है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर 3 केसेस आएंगे। 3 केसेस मतलब अगर एक पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन पर जा रहा है ना, उसके अलोंग भी जा सकता है, उसके ऑपोजिट भी जा सकता है, तो 2 केस वहां पर हो गया। और अगर तीसरा केस क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन पर जा रहा है और जो मोशन हो रहा है वो परपेंडिकुलरली हो रहा है, तो अगर दोनों मतलब परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ तो उस साइड पर जो मोशन होगा वो कैसा होगा, जो इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, वो हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले है ना। और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो तीसरा वाला कंडीशन है परपेंडिकुलर। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 केसेस होंगे है ना। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, ठीक है ना। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना है ना, और जल्द ही क्या हो जाएंगे, रेगुलर वीडियोस आएंगे, आप लोग टेंशन मत लेना। पहला पॉइंट क्या होगा, जो मोशन होगा, मोशन अलोंग पैरेलल, यहाँ पर मैं पैरेलल लिख दूँ कि सिंबल में लिख दूँ, बहुत लोग को समझ में नहीं आएंगे। तो मोशन अलोंग, अलोंग मतलब पैरेलल है लेकिन सेम डायरेक्शन पर है, मोशन अलोंग पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। दूसरा केस आप लोग का है मोशन ऑपोजिट, मोशन जो है ऑपोजिट है लेकिन पैरेलल ही, अभी भी पैरेलल है, ठीक है ना, ध्यान रखना। पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन पर मोशन हो रहा है, तब उस पर जो है कैसा यहाँ पर केसेस या फोर्स वगैरह, एक्सेलरेशन वगैरह, पाथ कैसा होगा वो हम लोग देखेंगे। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग लास्ट में करेंगे इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है ना, तो वो क्या है, मोशन, यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर को सिंबल में लिखने का बहुत मन कर रहा था लेकिन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, मोशन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही छोटा करके हो गया है ना। यहाँ पर सिर्फ एक ही केस आएंगे, मोशन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कैसे करवा सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे जनरेट करवा सकते, ध्यान देना है ना। तो यहाँ पर बहुत लोग कई यूट्यूब वीडियोज देखो, आप लोग ऐसे ही मिलेंगे आप लोग को, प्लस प्लस, और यही तरीका ही है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाने का, है ना। अगर हमें एक चार्ज देता, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज देता तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलता है यहाँ पर, है ना। डायरेक्शन कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव से यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इस वाले के अकॉर्डिंग, इस वाले पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लग रहा है, नीचे से ऊपर तक लग रहा है, यानी कि अगर मैं एक्स और वाई डायरेक्शन की बात करूँ तो ये वाई डायरेक्शन की तरह लग रहा है ना। ये वाई डायरेक्शन पर क्या लग रहा है, ये वाई डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ध्यान देना, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, करवा देते चलिए, है ना। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद क्या होगा, मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता, तब अगर मान लीजिए एक्स डायरेक्शन पर मैं ऐसे एक क्या करता, चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करवाता, मैं पॉजिटिव चार्ज को ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ। अगर निगेटिव चार्ज होता तब क्या होता, मैं वो भी आप लोग को बताऊँगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया, चाहे पॉजिटिव लो चाहे निगेटिव लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तब मोशन कैसा होता, जैसा आप लोग को दिख रहा है ना इस डायग्राम पर, वैसा एज इट इज़ होगा। और मान लीजिए यहाँ पर एक स्क्रीन है, मान लीजिए यहाँ पर एक पी क्यू स्क्रीन है ना, और पी क्यू स्क्रीन पर एज इट इज़ जाके टकरा जाते हैं, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होते तो स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, ये आप लोगों को पता चल गया है ना। अब पहला केस पर चलते हैं, मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, मोशन अलोंग पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पर जा रहा है, तो हम लोग का जो चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हम लोगों ने ले लिया, मान लीजिए हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया, तो उसको पैरेलली सेम डायरेक्शन पर हम लोग कैसे मूव करेंगे, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, कहाँ से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, और इसे इस डायरेक्शन पर मोशन करवा देते हैं, मोशन करवा देते हैं। तब क्या होगा, ध्यान से देखना, केस 1 पर अगर हम लोग देखते हैं, केस 1 में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा,
ऑब्वियसली यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर डालते हैं तब एक फोर्स लगता है उस पर, तब एक क्या लगता है फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, उस पर फोर्स लगता है क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ए, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी मूव कर रहा था। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करें, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ऑलरेडी मोशन कर रहा था चार्ज पार्टिकल, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो आप लोग क्या कहेंगे, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, उसका वैल्यू क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन पर जाए तो फोर्स लगेंगे एफ इज इक्वल टू क्यू ई। हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर हम लोग पहले किस पर देखते हैं कि यहाँ पर फोर्स लगता है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, न्यूटन का इक्वेशन लगाएंगे, है ना, न्यूटन का क्या इक्वेशन था, एफ इज इक्वल टू एम ए, सिंस एफ जो है मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना, तो यहाँ पर एम ए के जगह पर हम लोग यहाँ पर एफ के जगह पर एम ए लिख सकते हैं, यहाँ पर एम ए पुट कर देंगे, हेंस आप लोग लिख सको देयरफॉर एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, यानी कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, है ना। तो इतना एक्सीलरेशन का अमाउंट लगता है इस वाले चार्ज पार्टिकल पर, ये तो ऑलरेडी मूव कर रहा था मान लीजिए कुछ वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ, ठीक है ना, वो भी आप लोग निकाल सकते हो कैसे, ये तो हो गया आपका एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, वी बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई बाई एम, टी को उस साइड पर फेस दीजिए तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, वी इज इक्वल टू आप लोग इंटीग्रेशन करके भी कर सकते हो, ठीक है ना, टी हो जाएंगे और यही एक्सप्रेशन नंबर टू। तो इतना वेलोसिटी के साथ मान लीजिए जा रहा था, है ना, तो एक्सीलरेशन लगेंगे इस पर फोर्स की वजह से, और वो क्या होगा, क्यू ई बाई एम लगेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया प्लस के लिए, अगर माइनस की बात करते हम लोग, है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन होगा, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए यही चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए निगेटिव चार्ज पार्टिकल छोड़ दीजिए, इसी को मैं अगर क्या करता हूँ, उल्टा साइड पर ऐसे, उल्टा साइड पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेंगे, और वो फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना होगा, केस टू के लिए, केस टू के लिए जो फोर्स लगेंगे ये केस टू के लिए मान लीजिए, है ना, और नीचे जो कुछ भी है वो केस थ्री के लिए होगा, ठीक है ना। तो ये केस टू के लिए जो फोर्स लगेंगे वो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इज इक्वल टू उल्टा डायरेक्शन पर लग रहा है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस ऑफ क्यू ई होगा। अगर हम लोग पॉजिटिव एक्सप्रेशन यहाँ पर ले, एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू ई ले, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट है फोर्स और डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो मोशन कर रहा है एक्चुअली उसका डायरेक्शन, तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई, यहाँ पर माइनस एन क्यू आ रहा है, क्योंकि जो मोशन है और जो फोर्स लग रहा है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा था, तो ये फोर्स जो है उसको रिटार्ड करेंगे, यानी कि अपोज करेंगे, अपोज करेंगे, तो एक समय ऐसा भी आएंगे जिस समय पर इसका जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, और वो इस फोर्स के अलोंग डायरेक्शन पर मूव करना स्टार्ट करेंगे आगे जाके। लेकिन पहले क्या होगा, इसके ऊपर एक निगेटिव फोर्स लगेंगे, सेम होगा यहाँ पर एक्सप्रेशन पर क्या जाएंगे, ए इज इक्वल टू निगेटिव एक्सीलरेशन लगेंगे, माइनस क्यू ई बाई एम लगेंगे, बस यही बोला था, है ना। और ये क्या होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। अब हम यहाँ पर हम लोग केस थ्री देखते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, केस थ्री देखते जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग इस वाला को छोड़ देते हैं, इस वाले जो चार्ज पार्टिकल है इसे राम राम सेक्टर कर देते हैं हम लोग, यानी कि छोड़ देते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मैं मोशन का पाथ होगा, एक्चुअली मैं ऑलरेडी आप लोग को पहले बता देता हूँ कैसा होगा, ध्यान से देखना, ये जैसे ही इसको एंटर करेंगे ये कुछ इस तरीके से, देखिए ये थोड़ा सा देखने में गड़बड़ लग रहा है, लेकिन ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा, है ना। तो यहाँ पर ये आप लोग का पाथ का मोशन होगा, यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल है अब स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं जाएंगे, अब इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, एक पैराबोलिक शेप में आएंगे, और यही हम लोग को प्रूफ भी करना है कि इसका जो पाथ है पैराबोला है वो हम लोग को प्रूफ करना है। पैराबोला कैसा होता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, क्योंकि यहाँ पर ये किस तरीके का बना रहा है, इस तरीके का बना रहा है ना, हम लोग यहाँ से कंसीडर करें, लेकिन इस तरीके बना रहे हैं ना, तो इसका एक्सप्रेशन क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, तो यही हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये जो चार्ज पार्टिकल है जैसे ही यहाँ पर एंटर हुआ, इसका ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी था, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा, है ना। हम लोग को पता है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना वाई डायरेक्शन पर, है ना। जब यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल है
तो इस पर वाई डायरेक्शन पर कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन पर ही तो मूव कर रहा था पहले, पहले एक्स डायरेक्शन पर मूव कर रहा था, लेकिन फोर्स लगने की वजह से ये ऊपर की तरह शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू, आप लोग जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना वो स्टेटमेंट आप लोग लिखना, मैं सिर्फ आप लोग को मैथमेटिकल टर्म्स बता रहा हूँ, है ना। आप लोग लिखते हैं वाई इज इक्वल टू, आप लोग को पता है न्यूटन का एक इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, पहले मैं वो लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ, सिंस वी नो हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये हम लोग को पता है, है ना, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो वाई डायरेक्शन पर हो रहा है, तो ये क्या शिफ्ट हो जाएंगे, वाई इज इक्वल टू, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है अगर हम लोग वाई कंपोनेंट का ले रहे हैं तो सभी में वाई कंपोनेंट ही लेंगे, एक्स का कंपोनेंट यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर यू क्या होगा, यू वाई टी प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन टी स्क्वायर, कुछ नहीं किया, बस एस के जगह पर वाई डायरेक्शन पर डिस्प्लेसमेंट है और यू के जगह पर यू वाई, ए के जगह पर ए वाई। अब हम लोग इस पर सिर्फ क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और हम लोग चेक करेंगे जो रिजल्टेंट इक्वेशन आता है वो इक्वेशन किस शेप पर आता है या किस फॉर्म पर आता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना था, यहाँ पर अगर मैं एक बार एक लाइन लिख लो, एक लाइन में अगर लिख लेता हूँ कि जो इनिशियल वेलोसिटी था y डायरेक्शन पर वो कितना था, इनिशियली तो ये x डायरेक्शन पर मूव कर रहा था ना, इनिशियली x डायरेक्शन पर मूव कर रहा था, तो इसका y डायरेक्शन पर हियर आप लोग लिखना, इनिशियली इसका y डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, जीरो है ना। अब हम लोग को चाहिए क्या, ए वाई का एक्सप्रेशन और टी का एक्सप्रेशन, है ना, हम लोग को पता है इक्वेशन नंबर टू से, इक्वेशन नंबर वन से आप लोग लिखना फ्रॉम इक्वेशन वन, हम लोग को क्या पता है इक्वेशन वन से ए इज इक्वल टू क्या पता है, क्यू ई बाई एम पता है, है ना, ए इज इक्वल टू क्या पता है, क्यू ई बाई एम पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू ई बाई एम के जगह पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन किस डायरेक्शन पर जा रहा है वो भी आप लोग लिख सकते हो, है ना, ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, है ना, ये हम लोग यहाँ पर जाके पुट कर देंगे। अगर यहाँ पर ए वाई की मैं बात करूँ, चार्ज का तो कोई वाई कंपोनेंट होगा नहीं, है ना, मास का भी कोई वाई कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए वाई का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब टाइम का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था आप लोग मुझे बताएं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। अब हम लोग को चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें, सिंस वेलोसिटी का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अब हम लोग को टाइम चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी होगा, है ना। डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक्स डायरेक्शन पर कितना है, एक्स वैल्यू है, क्योंकि मैं एक्स डायरेक्शन पर डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, टी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन, क्या होगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर मैं डिस्टेंस को अगर एक्स पर मेजर कर रहा हूँ, भले ही यहाँ पर टाइम जो है, टाइम का कंपोनेंट भले एक्स या वाई नहीं होता, टाइम का कंपोनेंट पर एक्स या वाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मैं जो एक्स डायरेक्शन पर डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी को एक्स डायरेक्शन पर कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियली अगर कंसीडर करें तो जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे एंड टी इज इक्वल टू एक्स बाई, टी इज इक्वल टू एक्स बाई वी एस। हम क्या करेंगे, अब इसे इक्वेशन नंबर मान लीजिए इक्वेशन नंबर थ्री दे देते हैं। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज इन थ्री, वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है, वैल्यूज को अगर थ्री पर पुट करते हैं हम लोग को क्या मिलता है, वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ, ए वाई का वैल्यू क्या था, क्यू ई वाई बाई एम, साथ में टी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बाई वी एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को एक्स स्क्वायर का चाहिए, एक्स स्क्वायर का चाहिए, आप लोग को पता होगा, अगर हम लोग देखिए आप लोग को पैराबोला का इक्वेशन क्या था, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि पैराबोला है कि नहीं, आप लोग को प्रूफ करने के लिए बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में होता है, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर को एक साइड पर अगर मैं रखूँ, एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक साइड पर रखूँ और बाकी साहब को उधर भेजूँ तो क्या हो जाएंगे, ट्वाइस एम को उधर हो जाएंगे, टू एम वी एक्स स्क्वायर, टू एम वी एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, है ना, और नीचे क्या बचा, और नीचे आप लोग का बचा यहाँ पर कुछ ना कुछ, यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या होगा, क्यू ई बाई एम, यहाँ पर एक और टर्म शायद आएंगे, ध्यान से देखना, है ना। और यहाँ पर y देखिए, ये y है और ये यहाँ पर y को एक्स्ट्रा करके लिख देता हूँ मैं, ट्वाइस एम वी एक्स स्क्वायर को ये डिवाइड में था ऊपर चला गया, क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आएंगे तो क्या हो जाएंगे, क्यू हो जाएंगे, ई वाई हो जाएंगे, है ना।
और एक्स स्क्वायर को मैंने ऑलरेडी लग दिया है। अब ये वाला जो टर्म है ये टोटली कॉन्स्टेंट टर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर वेलोसिटी का देखिए, ये जो वी एक्स है ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, मैं फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा। तो आप लोग इनिशियल अगर लिखना चाहते हो तो वी नॉट एक्स भी लिख सकते हो, वी एक्स को वी नॉट एक्स भी लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है ना, मास तो कॉन्स्टेंट ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कॉन्स्टेंट टर्म पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी चेंज होगा लेकिन वी नॉट एक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल इसका जो वेलोसिटी था एक्स डायरेक्शन पर वो तो चेंज नहीं होगा ना भाई साहब, है ना। तो ये तो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, साइड पर लिखता हूँ, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से हम लोग को पता चल गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, क्या पता चल गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई पता चल गया। ये किसकी तरह रिजेम्बलेंस कर रहा है, देखिए हम लोग को पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, ये एक एक्सप्रेशन था, और इसको अगर हम लोग कंसीडर करें ये वाले एक्सप्रेशन के साथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये आप लोग का बिहेव कर रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आप लोग का बिहेव कर रहा है कि पैराबोला, ये आप लोग का बिहेव कर रहा है पैराबोला। और ये जो पाथ है ना, हम लोग कह सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल का पाथ है ये किसकी तरह पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। और यही हम लोग का एग्जाम में प्रूफ करने के लिए देता है कि जो पाथ है अगर हम लोग ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे एक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के साथ, ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होता है, तब जो पाथ चार्ज पार्टिकल फॉलो करके चलता है वो क्या होगा, वो एक पैराबोलिक पाथ होगा। और एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल दिया, क्या मतलब कांस्टेंट, 4a मतलब भी कांस्टेंट, 4 मतलब तो ऑब्वियसली कांस्टेंट, a मतलब उसका जो क्या था, आप लोगों को पता होगा पैराबोला में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके a होता है b होता है ना, हम आप लोगों को पता होगा, आप लोग समझदार होते हैं ना, a और b होता है ना, जिसमें जैसे कि मान लीजिए एक गोल है, सर्कल में क्या होता है रेडियस होता है, ठीक वैसे ही जो पैराबोला होता है एलिप्स होता है वहाँ पर ए और बी टर्म्स इस्तेमाल किया जाता है ना, जो मेजर एक्सेस होता है माइनर एक्सेस से डिस्टेंस वगैरह को डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो गया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ग्रेजुअल पाथ है वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो सिग्निफिकेंस देख रहे हो ना, फोर्स लग रहा है क्या ऊपर की डायरेक्शन पर, तो फोर्स की वजह से इसका पाथ नीचे ऊपर चला गया, कॉन्स्टेंटली ऊपर चला जा रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पर जिस डायरेक्शन पर ये जा रहा था उसी डायरेक्शन पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना है ना। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए, इसके नेक्स्ट वीडियो पर शायद एक दो दिन के बाद आ जाएंगे, है ना, इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए, कुछ भी डाउट तो मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।